आप कैसे हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन, जो कि बायो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? आप डार्विन को जानते होंगे। डार्विन साहब ने कहा था कि दोज हु आर फिटेस्ट और दोज हु विल बी फिटेस्ट विल सर्वाइव इन द नेचर, यानी जो नेचर में जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, उसके सर्वाइव करने का चांस ज्यादा होगा। लेकिन लेमार्किज्म थ्योरी आया, उसने बोला कि ऐसा नहीं है। मतलब कि नेचर जो सिलेक्ट करेगा उसके आधार पे सर्वाइवल को डिफाइन किया जा सकता है। व्हाट इज दिस नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर कैसे सिलेक्ट करता है। यदि आप कितना भी फिट रहिए, इफ यू आर एक्सट्रीमली फिट, और अगर आपको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया है तो आप फिट होने के बावजूद आपका सर्वाइवल का चांस सबसे लिस्ट होगा। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे दो बीटल्स हैं, एक रेड बीटल्स है और एक ग्रीन बीटल्स है। दोनों रहते हैं किसी एरिया में। तो जो रेड बीटल्स है और ग्रीन बीटल्स है, तो पहले इस तरीके से समझते हैं कि जो फिटेस्ट होगा डार्विनिज्म थ्योरी के अनुसार, तो जो रेड बीटल्स है और जो ग्रीन बीटल्स है, तो ग्रीन बीटल्स को फायदा ये हो रहा है कि वो ग्रीन बुशेस में रह रहा है। दोनों बीटल्स हरिदार झाड़ियों में रह रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि दोनों ग्रीन बुशेस में रह रहे हैं, तो ग्रीन बुशेस में ग्रीन वाला छिप जा रहा है, तो उसको एक एडवांटेज मिल रहा है। तो क्रो उसको पिकअप नहीं कर पा रहा है, उसको स्पॉट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बच जा रहे हैं। लेकिन जो रेड बीटल्स हैं, उनको ग्रीन बुशेस में इजीली स्पॉट किया जा सकता है, इसलिए क्रो उसको आसानी से खा जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है उस रेड बीटल के लिए। लेकिन यही चीज नेचुरल सिलेक्शन के केस में बदल जाता है। आइए आपको समझाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि दो अलग अलग एरिया में रेड बीटल्स और ग्रीन बीटल्स रह रहे हैं, और दोनों एरिया में क्या है, बुसेस है, और दोनों में हरा बुसेस है, ग्रीन बुसेस है। अब हो ये रहा है कि दोनों एरियाज में क्रोज होंगे, तो पहले तो चांस ये है कि रेड बीटल्स को जो क्रो है वो इजीली स्पॉट करेगा। लेकिन एक एरिया में जहां पे रेड बीटल्स रह रहे थे, वहां ईगल आ गया, गिद आ गया, वो क्रो को खाने लगा। अब क्रो को खाने लगा तो जो क्रो वहां रह रहे थे वो डर गए और वो माइग्रेट कर गए दूसरे एरिया में। यानी नेचर ने उस रेड बीटल को सेलेक्ट किया एडवांटेज के टर्म में। अब ईगल के आने से क्रो उसको खा नहीं पाता है, क्योंकि क्रो है ही नहीं तो क्या खा पाएगा, तो ये चांस ऑफ सर्वाइवल हुआ। लेकिन ग्रीन बुशेस में जो ग्रीन रह रहे थे बीटल्स, जिनको काफी एडवांटेज था, लेकिन यहां से क्रो माइग्रेट करके वहां गए तो पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो कंपटीशन बढ़ गया। अब जो भी है उन्हीं में से उनको खाना है, तो वो क्या हुआ कि वो ग्रीन बुशेस में से पूरा ढूंढने लगे, सर्च करने लगे और उनको खाने लगे। यानी पहले केस में ग्रीन बुशेस के चलते जो एडवांटेज था ग्रीन बीटल्स को, अब वो नहीं है, क्योंकि इस बार नेचर ने उनको सेलेक्ट नहीं किया। तो नेचुरल सिलेक्शन जो और जेनेटिक ड्रिप, ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो कि लीड टू द स्पेसिएशन ऑफ ए स्पीसीज। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक खोलें, पंकज कुमार सिंह द डायरेक्टर ऑफ प्रीमियर कोचिंग। जैसे ही आप इस लिंक को खोलिएगा, सब्सक्राइब बटन आएगा, उसको दबाइए, उसके बाद टैप बेल आएगा, उसको दबाइए, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।